मुजीब अहमद खान साहब प्लीज सर कम ऑन स्टेज। थैंक यू वेरी मच। आज हमारे दरमियान हबीब अहमद साहब एमडी हबीब रफीक प्राइवेट लिमिटेड मौजूद हैं। सर आपके तशरीफ़ आवरी का शुक्रिया। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जाहिद रफीक साहब जो चेयरमैन हैं स्मार्ट सिटीज़ के, जहांजेब जाहिद साहब मैनेजिंग डायरेक्टर स्मार्ट सिटीज़। सर ये आप लोगों का विजन है जिसको हम लेकर आगे चल रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला आप अपने पीछे अगर जम्मे गफीर देखें तो ये सब वो लोग हैं जो जिनको आप नहीं जानते लेकिन ये आपको अच्छी तरह जानते हैं और आपके विजन को अच्छी तरह जानते हैं, इसीलिए आज साथ जुड़े हुए हैं। मैं ख़ास तौर पर शुक्रगुजार हूँ असलम मलिक साहब का, हमारे ग्रुप CEO और मेरे लिए मेरे रूहानी फादर का दर्जा रखते हैं। ये उनकी अनथक मेहनत होती है प्रोजेक्ट पे, कंस्ट्रक्शंस के ऊपर, डिज़ाइनिंग के ऊपर, कि हमें कभी सर नगुनी होना पड़ता लोगों के सामने कि हमें ये सुनना पड़े कि हमारी प्रोजेक्ट में काम अच्छा नहीं हो रहा। तो मैं सबसे कहूँगा कि हमारे जो चेयरमैन हैं, हमारे जो MD हैं, जो हमारे ग्रुप CEO हैं, उनके लिए एक भरपूर राउंड ऑफ अप्लाउज होना चाहिए। इसके साथ साथ मैं अपने जितने सीनियर बोर्ड मेंबर्स हैं, मैनेजमेंट के लोग हैं, हमारी कंस्ट्रक्शन की टीम है, हमारे अकाउंट एंड फाइनेंस ट्रांसफर एंड रिकॉर्ड, हमारे सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, जितने भी लोग हैं, मैं उन सब का भी आज शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि हमारे एफर्ट्स आप सब की मेहनत के बगैर कभी कामयाब नहीं हो सकते। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जितने हमारे क्लाइंट्स हैं, जितने हमारे इन्वेस्टर्स हैं, कि उनका भरपूर एतमाद है कि अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 4 से 5 सालों में स्मार्ट सिटी पाकिस्तान का आज सबसे बड़ा ब्रांड बन गया। मैं ख़ास तौर पर शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपने सेल्स पार्टनर का जो हर वक्त हमारे साथ खड़े हैं, चाहे आसानियाँ हों चाहे मुश्किल हो, वो हमारे साथ हमारे सिपाही बन के खड़े हैं। लेकिन मैं आज उन लोगों को भी नहीं भूलना चाहूँगा जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, वो ऑथराइज नहीं है लेकिन काम कर रहे हैं, एज अ फ्रीलांस काम कर रहे हैं। आप सब भी हमारी बैकबोन है, हैट्स ऑफ टू यू एज वेल। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं अपने मुखालफीन का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। ये शायद हमें ज़्यादा मोटिवेट करते हैं कि जिस तरह के वो हम पर मुखालिफाना हमले करते हैं, हम ज़्यादा मेहनत से काम करते हैं और अपनी प्रोग्रेस से, अपनी मेहनत से, अपने काम से उसको गलत साबित करते हैं। आपने इससे पहले बहुत सारे इवेंट देखे होंगे प्रोजेक्ट्स के प्री सेल इवेंट्स हो रहे हैं, पोस्ट सेल इवेंट हो रहे हैं, प्री लॉन्च इवेंट्स हैं, पोस्ट लॉन्च इवेंट हैं, जो कि बुरी बात नहीं है। स्मार्ट सिटी लाहौर स्मार्ट सिटी का एक साल सितंबर गालबन 2021 में हमने काम स्टार्ट किया था, एक साल बाद हमारा जो इवेंट हो रहा है वो बैलेटिंग और पोजेशन का है अल्हम्दुलिल्लाह। अक्सर लोग कहते हैं कि फेलियर इज़ नॉट एन ऑप्शन, आई वुड ऑलवेज से इट इज़ एन ऑप्शन, बिकॉज इफ़ यू फेल यू लर्न, इफ़ यू लर्न यू ग्रो। गिविंग अप इज़ नॉट एन ऑप्शन, हमने कभी गिव अप नहीं करना। मुझे याद है आज से 1.5 महीना पहले हमारे बहुत सारे दोस्त जो हैं वो मुल्क के हालात की बात करते थे। अगर मैं उन सबको दोबारा रिमाइंड करवाना चाहूँ मुल्क के हालात के बारे में, अल्लाह हमारे मुल्क को दिन रात तरक्की दे, बहुत तरक्की दे, लेकिन
मैं अपने आप से समझता हूँ कि 1998 से एक तरह से होश संभाला और हालात ऐसे ही देखते आ रहे हैं। अगर हालात ख़राब हैं तो आप खाना पीना नहीं छोड़ सकते, आप मेहनत करना नहीं छोड़ सकते, अपने खर्चे नहीं कम कर सकते। तो इन चीज़ों को करने के लिए आपको मेहनत ही करनी पड़ती है। और हमारे बहुत सारे सेल्स पार्टनर जिन्होंने मेरी आवाज़ के ऊपर लब्बैक कहा और दोबारा से मेहनत की, आज वो सब की सब हकीकत बन के स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स बन चुके हैं। और उन्हीं की बदौलत हमारी जो प्रोडक्ट की प्रॉफिटेबिलिटीज़ हैं वो 2 times अगेन इंक्रीज़ कर गई हैं, जहाँ के पूरे पाकिस्तान में अगर आप देखें तो आपको बहुत ही कम जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश या डेवलप्ड प्रोजेक्ट्स हैं उसके अंदर जो प्रॉफिटेबिलिटीज़ हैं वो कम हुई हुई हैं, और जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं उसके अंदर प्रॉफिटेबिलिटीज़ हैं ही नहीं बल्कि नेगेटिव में है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी मेहनत है कि जिसकी वजह से ना कैपिटल स्मार्ट सिटी में और ना लाहौर स्मार्ट सिटी में कोई एक सिंगल प्रोडक्ट नहीं है जो नेगेटिव हो, अल्हम्दुलिल्लाह। और इसकी सबसे बड़ी वजह ये है, जैसे कि कहते हैं कि इफ़ यू वांट टू डू समथिंग यू ऑलवेज फाइंड अ वे, बट इफ़ यू डोंट वांट टू डू एनीथिंग यू ऑलवेज फाइंड एन एक्सक्यूज। तो मेरे ख्याल से हमारे जितने सेल्स पार्टनर हैं उन्होंने मेहनत की है और करके दिखाई है, कभी किसी एक्सक्यूज़ को नहीं ढूंढा। जब ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ तो बहुत सारे लोगों की फियर्स से साइट की डेवलपमेंट के हवाले से, एनओसी के हवाले से, आज मैं सबको रिमाइंड कराना चाहता हूँ जितने यहाँ लोग मौजूद हैं कि हमने ना सिर्फ 55 दिन में एनओसी लिया बल्कि एक साल के अंदर अंदर हम पोजेशन भी दे रहे हैं। इंशाल्लाह ताला आपको ये भी बताना चाहूँ कि इस एक साल के अंदर जो क्लाइंट्स की तरफ से पेमेंट आए वो मे बी 20-30% होंगी, लेकिन हमने अपनी प्रोग्रेस कंस्ट्रक्शन की वो बिल्कुल नहीं रोकी। लाहौर स्मार्ट सिटी की इंशाल्लाह 4 access होंगी, और मैं ये बताते हुए आज खुशी महसूस कर रहा हूँ कि जो हमारी एक्सेस है जीटी रोड से, उसका जो अंडरपास है उसकी ऑलरेडी हमने पेमेंट कर दी है पाकिस्तान रेलवे को फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अंडरपास। और जो हमारी एक्सेस होगी रिंग रोड से, उसका भी अल्हम्दुलिल्लाह टेक्निकल सर्वे हो चुका है एंड थिंग्स आर गोइंग वेरी स्मूथली। मैं सिर्फ आप लोगों को ये बावर करवाना चाहता हूँ कि सिर्फ हमने पोजेशन ऑफ़र किए तो कितने आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटीज़ हैं उसके अंदर इंक्रीज़ आया। सिर्फ इमेजन, सिर्फ सोचें कि अगले आने वाले 6 months के अंदर यहाँ हज़ारों घर और सैकड़ों कमर्शियल प्लाजाज जब शुरू होंगे तो आपकी प्रोडक्ट्स की प्रॉफिटेबिलिटी किधर जाएंगी। तो दिस इज़ द टाइम to hold, to invest more and earn money. इसके अलावा मुझे ये बताते हुए भी खुशी हो रही है, असलम साहब ने ये अनाउंसमेंट खुद करनी थी बट बिकॉज वो किसी वजह से अनाउंसमेंट नहीं कर सके और उन्होंने ही वेरी काइंडली आस्क मी टू अनाउंस दिस कि इंशाल्लाह ताला जो हमारी नेक्स्ट बैलेटिंग है वो 2023 के फर्स्ट हाफ में होगी इंशाल्लाह। और इसके अलावा जितने भी हमारे विलाज हैं, आप सब ऐसे हैरान होंगे क्योंकि हमने विलाज ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गए हैं, फिनिशिंग स्टार्ट होगी भी है और अभी तक हमने इसको सेल नहीं किया। दैट शोज़ के हाउ मच कमिटेड वी आर टूवर्ड्स द प्रोग्रेस एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ आवर प्रोजेक्ट। तो हमारे जितने भी विलाज बन रहे हैं इंशाल्लाह ताला जो भी एग्जिस्टिंग मेंबर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस के ऊपर उसको लेना चाहेगा, जब भी हम लॉन्च करेंगे तो हम उसके ऊपर ना सिर्फ 5% डिस्काउंट देंगे बल्कि उसके जो प्लॉट का जो मर्जिंग है उस विला के अंदर वो मार्केट रेट के ऊपर करेंगे। हमने इससे पहले बहुत सारी नई टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ की, नए बिजनेस टैक्टिक्स को लेके आए, लेकिन मेरे लिए, मेरी मैनेजमेंट के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो मेरे साथ सेल्स पार्टनर हैं
वो कितनी एफर्ट रीसेल के अंदर करते हैं। तो हमने अपने रीसेल्स पार्टनर बनाए, स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स बनाए, और मैं उन सब लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ जिन्होंने हमारा साथ दिया और उन रीसेल के टारगेट को अचीव किया स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनने के लिए। लेकिन मेरे बहुत सारे सेल्स पार्टनर की ये ख्वाहिश थी कि वो भी स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स बने। तो मैं आज आपको ये बताना चाहूँगा कि जो टारगेट मैंने पहले दिया था, अगर वही टारगेट आप अगले 10 दिन में अचीव करते हैं तो इंशाल्लाह आपको भी हम स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स बना लेंगे। आखिर में मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा कि जब आप पैदा हुए तो बहुत सारे लोगों ने आपसे मोहब्बत का इजहार किया था, और जब आप इस दुनिया से जाएंगे तो भी आपसे बहुत सारे लोग मोहब्बत का इजहार करेंगे। लेकिन इस दरमियानी वक्त के अंदर जो मोहब्बत के असबाब हैं वो आपने ख़ुद पैदा करने हैं। जैसा कि हज़रत वासिफ अली वासिफ साहब फरमाते हैं कि इस कायनात के अंदर कोई चीज़ अगर आसमानी है तो वो मोहब्बत है। तो मेरी आप सब से रिक्वेस्ट होगी कि आपस में मोहब्बत से काम करें, मिलकर काम करें, एक दूसरे के लिए काम करें, एंड लेट्स ग्रो टुगेदर। थैंक यू वेरी मच।